खरगोन जिले में अवैध शराब का कारोबार नहीं थम रहा है। ऊन थाना क्षेत्र के तलकपुरा में घर पर बिक रही शराब के खिलाफ ग्रामीण एकजुट नजर आए। मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचकर शराबबंदी की मांग भी की है। आक्रोशित महिलाओं ने नारेबाजी कर धरना दिया। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए डिप्टी कलेक्टर ने आबकारी अधिकारी को कलेक्ट्रेट तलब किया। यहां पहुंचे आबकारी अधिकारी अभिषेक तिवारी को महिलाओं ने बताया कि शराब पीने से घरों में रोजाना कलह हो रहा है। घर के पुरुष शराब पीकर गाली गलौज मारपीट के साथ घर के बर्तन तक बेच आते हैं। एक महिला ने बताया उसका जवान बेटा शराब पीने से असमय मौत का शिकार हो गया। किसी और की जान न जाए इसके लिए देशी विदेशी सहित कच्ची शराब बिक्री पर रोक लगाई जाए। आबकारी अधिकारी ने आश्वस्त किया कि वे तत्काल टीम भेजकर कार्यवाही कराएंगे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। छोटे बच्चे पी रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे पी रहे हैं, शराब मारी तो नहीं मानते नहीं हो तो फिर बेचने वाले तो बेचे। और बच्चों को कब तक हम देखेंगे, हमारी नजर में रखेंगे? हमारा हल्के में 6-7 हज़ार का नुकसान भी करा रही है, मजदूरी करती और पैसा औरतों को मारना भी। क्या परेशानी आ रही है? सब साफ दारू खूब पी रहा है हमारा गाँव में। छोटा छोटा बच्चा भी पेड़ मड़ेगा, बड़ा बड़ा भी पेड़ मड़ेगा। दारू हमारा गाँव में बंद क्योंकि मनुष्य भाई न काम पर जाते दारखी से आवत न घर में जरा बहुत सामान है वो कभी आदमी चीन पी जाए, छोरा भी चीन पी जाए तो फिर भाई न करनो गाई भाई न कहाँ तक मजदूरी करेगा। अब क्या चाहते हैं आप? पूरी तरह से हमारा गाँव में कच्ची भी और पक्की भी शराब बंद होनी चाहिए। आस पास की क्या नाम है आपका? लीला भाई। शाम को एक क्या घटना हुई तुम्हारे साथ? शराब मेरे साथ एक मेरे हस्बैंड ने बहुत शराब पी और मेरे बर्तन सब फोड़ दिए। अच्छा, मेरा गैस कनेक्शन सब फोड़ दिया। अच्छा, अभी कलेक्टर ऑफिस आए, क्या मांग करी तुमने साहब से? मैंने अभी कहीं बोला ही नहीं, ये सब बोलने कह रहे तो मैंने नहीं बोला। मैंने शराब बंद करवाने के लिए कि शराब बंद हो जाए पूरी तरह से और सब घर परिवार सब सुखी रहे। आए दिन मारपीट होती है तुम्हारे साथ? होती है, और हम मजदूरी करते है 200-250 की, 100-150 के करसना। काफी सारी महिलाएं आई थी अभी और उन्होंने बताया कि उनके गांव में काफी मात्रा में खासतौर से कच्ची शराब की, वो बता रही हैं कि आसपास के सतावड़ वगैरह गांव से कच्ची बना करके बेच रहे हैं यहाँ पर। और गांव वालों ने प्रस्ताव पारित किया है कि उनकी गांव में अब कोई शराब वगैरह नहीं बिकेगी। अब हम पूरे जो है टीम के साथ में आज से ही कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। सर, खरगोन खंडवा और राजमार्ग भी और ऐसे में ऊन और सेगांव के बीच में कई ढाबे में उसे शराब बिक रही है, लगातार कई हादसे भी उसके कारण देखने में मिले, इसका क्या रोक लगा? ढाबों पे अभी लगातार पिछले 15 दिन से विशेष अभियान चलाया था हमने और काफ़ी मात्रा में केस हमने दर्ज किया है और लगातार ये कार्रवाई कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार चल भी रही है और इसमें और तेज़ी लाएंगे। क्या हुआ था? मेरा एक ही लड़का था, वो भी शराब पी पी के मर गया था। 35 साल की उम्र थी, 3 बच्चे छोटे छोटे, और मेरा आदमी भी अंधा है, उनको आँखों से दिखता नहीं, दोनों बिल्कुल नहीं दिखता। और मेरी बहू को भी कम दिखता है, जो मर गया ना मेरा लड़का उसको भी बिल्कुल कम दिखता है। हमारे यहाँ कमाने वाला कोई नहीं है सर, मेरा आदमी तो दोनों आँख से बंद अंधे। क्या मांग खड़ी आपने यहाँ पर? दोनों दारू बंद करो, कच्ची पक्की दोनों। कितनी दुकानें हैं वहाँ पर? बहुत है साहब। कोई ने कार्रवाई नहीं करी? करी थी, कार्रवाई तो करी थी। ये शराब कौन चला रहे हैं वहाँ, कौन बेचता है? घर घर कच्ची पे घरों घर बिकती है, घर घर बिकती। क्या नाम है तुम्हारा? दुर्गा। कहाँ रहते हो? तलकपुरा। तलकपुरा से आए हैं है ना, और अवैध शराब के शिकायत के लिए आप कलेक्टर ऑफिस में आवेदन देना है, ठीक है? और कच्चे पक्के अवैध शराब हम पूरी बिल्कुल बंद करना चाहते हैं करम तलकपुरा में। उसके लिए हम आवेदन लेके कलेक्टर ऑफिस आए थे, महोदय से यहाँ पर ने आवेदन भी दिया और दे भी दिया और आपको यहाँ बिठा के रखा है, और उसके बावजूद अभी साफ आ रहे हैं ग्राम पंचायत में तलकपुरा में। उसके बाद में उन्होंने समझाया कि हम पूरी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, कब से शराब बिक रहे आपके गांव? शराब तो 17 साल हो गए, सालों साल हो गए बिकते बिकते। हमारे हमारे गांव में इतनी दुकानें हैं कि एक घर छोड़ के एक घर दारू मिलती है। क्या परेशानी आ रही है आपको? क्या परेशानी आ रही है? परेशानी यही रह रही है, ना हुआ जवान। अभी हमारे गांव में 2 केस हो चुके हैं, ठीक है? उसके गांव में मतलब 2, 1 सुबह मरा और 1 शाम को मरा, 2 केस 1 दिन में हो गए। 1 महीने में ऐसा 19 मौत हो चुके हमारे गांव में। इसलिए हम आवेदन लेके पूरी महिलाओं को आवेदन लेके यहां पे आए हैं कलेक्टर ऑफिस।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम भास्कर सेन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।